करवा की स्पिक्स में आप सबका स्वागत है। आज छोटी दिवाली है जो कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। आज के दिन भी लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति मृत्यु देवता यमराज और माता लक्ष्मी को प्रश्न कर लेता है उसे मरने के बाद कभी नरक नहीं मिलता और अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। छोटी दिवाली पर खास तौर पर लोग यम देवता की पूजा कर घर के मुख्य द्वार में बाहर तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। नरक चतुर्दशी के महत्व को बताने के लिए कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा थी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्तियों से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसके बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों ही मरने का शाप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आप कोई उपाय निकाले, हमारा सम्मान वापस दिलवाए। समाज ने इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई।